उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मोबाइल वितरण कार्यक्रम के तहत शनिवार को इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय रायबरेली में मोबाइल वितरित किए गए। कार्यक्रम में सदस्य विधायक अदिति सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने सरकार की इस योजना को महत्वाकांक्षी योजना बताया। अदिति सिंह ने कहा कि स्मार्टफोन मिलने के बाद जो छात्राएं डिजिटल रूप से अपने को असक्षम मानती थी, उन्हें एक नए आयाम की ओर जाने का अवसर मिलेगा। इंटरनेट के माध्यम से छात्राएं अपने रिसर्च को आगे बढ़ा पाएंगी। ये बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की कि जो स्मार्टफोन एवं टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन सरकार ने जो निर्णय लिया है बेहतरीन निर्णय है। और खासतौर से आप मुझसे जो पूछ रहे हैं, आप जो लाभार्थी हैं यानी जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं हमारे, आप उनसे पूछेंगे तो बेहतर वो जवाब दे पाएंगे। पर मेरा मानना है कि जैसे मैंने अभी बोला भी था अपने ग्रुप में कि जब आपके पास रुचि रहते हैं तो आपके पास नॉलेज जरूरी है। अगर किसी भी चीज़ का आप नॉलेज अपग्रेडेशन करना चाहें, स्किल अपग्रेडेशन करना चाहें, तो आप हमारी बेटियों के पास, हमारी ग्रेजुएटिंग क्लास के पास मौका है। उनको एक अच्छे डिवाइस दिया गया है जिससे वो पढ़ सकते हैं। और खासतौर से आप कोरोना काल में वाकई इसकी ज़रूरत सामने आई थी कि किसी बच्चों को मोबाइल फोन पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। छात्राओं ने इसके लिए योगी सरकार को धन्यवाद दिया। इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य सुषमा देवी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुसार जो स्मार्टफोन भेजे गए हैं उन्हें छात्राओं को वितरित कर दिए गए हैं। माननीय विधायिका